एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा ग्राम बचान निकट शंकरपुर में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के लिए, इस शिविर का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार के साथ अध्ययन के लिए जागृत करना बताया जा रहा है। शिविर में काफी अधिक संख्या में युवा बेरोजगारों ने भाग लिया एवं आवेदन भी किया। यह संस्था लोकल स्तर के साथ साथ बाहर की कंपनियों में भी रोजगार दिलाने का कार्य करती है। इसमें संस्था के सदस्य के रूप में अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, के कसेरा व अन्य सदस्यगण, विष्णु ओझा, नागाजी अध्यापक, विपुल योजना राजा गुप्ता, धनंजय सिंह, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन इत्यादि उपस्थित रहे। शिविर के साथ साथ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी लिया गया। मैं 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता सुनंदन उपाध्याय आज बलिया जिले के बजहा गांव में उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ रोजगार शिविर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम पी.के. कसेरा है और मैं सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और यहाँ पर हमारे टीम के मेंबर्स बैठे हुए हैं। क्योंकि बलिया में काफ़ी बेरोजगारी है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये शिविर लगवाया हुआ है, आयोजित किया हुआ है। इस शिविर का मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार दिलवाना। आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना चाहते हैं? एक्चुअली ये जो शिविर है, शिविर के माध्यम से हम बलिया के बाहर लोगों को जॉब लगवाते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में टेक्सटाइल कंपनी है, बिस्किट कंपनी है, सीमेंट प्लांट्स वगैरह हैं और इसके साथ ही तमाम बलिया में भी और बाहर इसकी व्यवस्था की होती है। सर, आपका नाम? आप देख रहे हैं कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी से सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। धन्यवाद।